हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट मेजरमेंट। व्हाट इज़ मेजरमेंट? तो हमने डिसाइड किया था कि यदि हमारे पास एक कोई रेफरेंस स्टैंडर्ड है, यदि कोई हमारे पास एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है और हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी की कंपैरिजन करते हैं हमारे द्वारा चूज किए गए रेफरेंस स्टैंडर्ड के साथ, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मेजरमेंट बोला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको बताया था कि यदि मेरे को बोर्ड की लेंथ मेज़र करनी है तो मैं उसके लिए मेरा एक खुद का रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या कर लेता हूँ, चूज़ कर लेता हूँ। मार्कर मैंने चूज़ कर लिया था, फिर मैंने इस बोर्ड की लेंथ को इस मार्कर के साथ ऐसे कंपेयर किया ऐसे, और मैंने ये पाया कि बोर्ड की लेंथ को कवर करने के लिए, कम्प्लीटली कवर करने के लिए कितने मार्कर अपीयर हुए, 12 मार्कर क्या हो गए उसमें अपीयर हो गए। तो इसका मतलब बोर्ड की लेंथ कितने मार्कर के इक्वल मेरे को अपीयर हुई, 12 मार्कर। ठीक है ना बात? तो यहाँ पर मार्कर क्या चीज़ है? मार्कर हमारा एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है, इसी को हम लोगों ने स्टैंडर्ड मान लिया और इसके साथ हमने कंपैरिजन की बोर्ड की लेंथ की और उसको मेजरमेंट हम लोगों ने कर लिया। ठीक है ना बात? तो मेजरमेंट की डेफिनेशन आपको मैंने बता दी थी, लिखवा भी दी थी, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यूनिट्स क्या होते हैं। क्या बताया था मैंने आपको? यूनिट्स क्या होते हैं? तो लेंथ ऑफ बोर्ड कितनी मिली अपने को भाई? लेंथ ऑफ बोर्ड कितनी मिली थी? 12 मार्कर। तो इसमें ये वाला जो 12 लगा हुआ है, इसको तो मैंने आपको बताया था बोलते हैं न्यूमेरिकल पार्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? न्यूमेरिकल पार्ट। बट इस न्यूमेरिकल पार्ट के साथ जो चीज़ लगी होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको यूनिट बोलते हैं। एक्चुअल में ये क्या चीज़ है? एक्चुअल में ये वही रेफरेंस स्टैंडर्ड है जो हमने चूज किया था बोर्ड की लेंथ को मेजर करने के लिए, है ना? दोबारा सुने, मार्कर क्या चीज़ है? मार्कर वही रेफरेंस स्टैंडर्ड है जिसको हमने चूज किया था लेंथ का मेजरमेंट करने के लिए। तो यहाँ से हमने इसकी यूनिट की भी डेफिनेशन बनाई थी कि वो रेफरेंस स्टैंडर्ड जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, या जिनके टर्म्स में उसका मेजरमेंट किया जाता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम लोग? यूनिट बोलते हैं। ठीक है, यूनिट मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था कि दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरे कौन से होते हैं? डेराइव्ड यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स देखो सबसे पहले क्या होते हैं, सबसे पहले आप देखें कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? फंडामेंटल यूनिट्स बोला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अपने पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी थी? फर्स्ट ऑफ ऑल थी मास, सेकेंड नंबर क्या थी हमारे पास? लेंथ। थर्ड नंबर हमारे पास क्या था? टाइम। फोर्थ नंबर हमारे पास क्या था? इलेक्ट्रिक करंट। फाइव नंबर हमारे पास क्या था? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सिक्स नंबर हमारे पास क्या था? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। और सेवन नंबर जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी थी वो थी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब इन सेवन फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? हमारे फंडामेंटल यूनिट्स। तो आप इनको ध्यान में रखें कि मास का जो फंडामेंटल यूनिट है वो रहता है हमारा किलोग्राम। क्या रहता है वो? किलोग्राम। उसी प्रकार से लेंथ का जो हमेशा यूनिट रहेगा, फंडामेंटल यूनिट रहेगा, वो क्या रहेगा? मीटर। क्या रहेगा वो हमारा? मीटर। थर्ड नंबर टाइम का जो हमारा फंडामेंटल यूनिट रहेगा वो रहेगा सेकेंड। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट का जो हमारा रहेगा वो रहेगा एम्पियर। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका जो फंडामेंटल यूनिट है वो रहता है हमारा मोल। उसके बाद टेम्परेचर, इसका फंडामेंटल यूनिट होता है केल्विन। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका हमारा फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? कैंडेला। ठीक है भाई, तो ये वाले जो सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं एक्चुअल में? फंडामेंटल
यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है भाई। और ये एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, SI सिस्टम की बात कर रहा हूँ। अभी मैं आपको बताऊँगा कि मेजरमेंट के कितने सिस्टम होते हैं, ये SI सिस्टम के लिए। इसको आप लोग नोट कर लें, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, जो हमारी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स जो होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, एक्चुअल में फंडामेंटल यूनिट्स बोला जाता है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं किसके, डेराइव्ड यूनिट्स की। उस दिन हमने सेकंड नेम लिखा था डेराइव्ड यूनिट्स, डेराइव्ड यूनिट्स। तो डेराइव्ड यूनिट्स के लिए सबसे पहले आप लोग डेराइव्ड फंडामेंटल, डेराइव्ड क्वांटिटीज़ का कॉन्सेप्ट याद करें। किसका कॉन्सेप्ट याद करें, डेराइव्ड क्वांटिटीज़, इनका क्या कॉन्सेप्ट था, ये मैंने आपको बताया था कि वो क्वांटिटीज़ डेराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के मल्टीप्लिकेशन और डिवाइजेशन से क्या बनती है, मिलकर के बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वेलोसिटी, फॉर एग्ज़ाम्पल वेलोसिटी, व्हाट इज़ वेलोसिटी, वेलोसिटी इज़ डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर यूनिट टाइम, दिस इज ए डेराइव्ड क्वांटिटी। वाई डेराइव्ड क्वांटिटी, बिकॉज इट इज डिनोटेड इन द टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, एंड डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ऑल्सो फंडामेंटल क्वांटिटीज, ऑल्सो फंडामेंटल क्वांटिटीज, सो दैट वी कॉल्ड वेलोसिटी इज, कौन सी क्वांटिटी है ये, डेराइव्ड क्वांटिटीज है। अब डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होगा वो हमारा क्या यूनिट होगा, देखो मीटर, डिवाइड में देखो क्या पड़ा हुआ है, टाइम, और टाइम का यूनिट हम लोग क्या यूज़ करेंगे, देखो इनमें से सेकंड यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे हम लोग, सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल क्वांटिटी थी, उसका यूनिट लगा दिया हमने फंडामेंटल यूनिट मीटर, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी थी उसका हमने यूनिट लगा दिया सेकेंड। तो अब ये जो पूरा फैक्टर बन गया, पूरा फ्रैक्शन बन गया मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये एक्चुअल में दो यूनिट्स के, दो फंडामेंटल यूनिट्स के डिवीजन से तैयार हुआ है। किससे तैयार हुआ है, ये वाला यूनिट, ये वाला जो पर्टिकुलर यूनिट है, ये यूनिट किसके लिए, किसके से साथ तैयार हुआ है, दो फंडामेंटल यूनिट्स के डिवीजन से तैयार हुआ है, मीटर और सेकेंड के। तो इसी यूनिट को हम लोग क्या बोल देंगे, डेराइव्ड यूनिट बोल देंगे, क्या बोल देंगे इसको हम लोग, डेराइव्ड यूनिट। तो जिस प्रकार से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से डेराइव्ड क्वांटिटीज बनते हैं, ठीक उसी प्रकार से यदि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट्स हों और हम उनको मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो वो कौन से यूनिट्स बन जाते हैं, डेराइव्ड यूनिट्स बन जाते हैं। ओनली कौन सी आपको ऑपरेशन लगाना है, मल्टीप्लाई और डिवीज़न, मल्टीप्लाई और डिवीज़न। ये क्यों है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी थ्योरी में आएगा। ये दो ही प्रोसेस हो सकते हैं, यदि हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, या उनका क्या कर दें, डिवीज़न कर दें, तो जो नए यूनिट अपने को ऑब्टेंड होते हैं उनको क्या बोला जाता है, डेराइव्ड यूनिट बोला जाता है, ठीक है। अभी बात तो इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, व्हाट इज़ डेराइव्ड यूनिट्स, इनका जो डेफिनेशन है वो आप ये लिख सकते हो, डेफिनेशन दोज यूनिट्स विच आर मेड फ्रॉम, दोज यूनिट्स विच आर मेड फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स इज कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट्स, इज कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट्स। एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवा दिया ये वाला, कि जो वेलोसिटी थी वो डेराइव्ड क्वांटिटी है,
और डेराइव्ड क्वांटिटीज़ का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, हमारा डेराइव्ड यूनिट होगा। और इसको कैसे निकालना है, मीटर पर सेकेंड करके निकालना है। ये इसमें एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हो। इसका पूरा व्यू आ रहा है। तो आज का हमारा क्या कॉन्सेप्ट था, हमारा आज का कॉन्सेप्ट था कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं और डेराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होंगे भाई, फंडामेंटल यूनिट्स वो होंगे जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए लगते हैं, उनका मेजरमेंट करने के लिए यूज़ होते हैं। सात होते हैं, किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, मोल, केल्विन, कैंडेला। और डेराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, पहली बात तो आप ये याद रखें कि डेराइव्ड यूनिट्स किसके लिए यूज़ होते हैं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ होते हैं। और कैसे इनको डिफाइन करते हैं, देखो डेफिनेशन ये है कि जो यूनिट दो या दो से ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट्स के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से मिलकर के बनते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डेराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है भाई, बात ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे फोर्स। फोर्स एक कौन सी क्वांटिटी है, डेराइव्ड क्वांटिटी है। और यदि हमें बोला जाए कि इसका आप लोग यूनिट निकालें तो उसका यूनिट आप कैसे निकालोगे, देखो इसको पहले आप क्या करोगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के टर्म में क्या कर लोगे, रिप्रेजेंट कर लोगे। मैं इसको रब करके बता देता हूँ आपको एक एग्जाम्पल। सपोज दैट आपको कहा जाता है कि आप लोग क्या करो, फोर्स का यूनिट फाइंड करो, इसका यूनिट फाइंड करो फोर्स का। तो आप क्या पहले क्या करोगे, आप पहले फोर्स को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के टर्म में क्या कर लोगे, डिनोट कर लोगे। अब आप इसके फॉर्मूले में देखो, मास ऑलरेडी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो मास को आप लोग पढ़ा रहने दें। बट एक्सेलरेशन इज नॉट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज़ अ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सेलरेशन को क्या लिख देंगे, इस एक्सेलरेशन को लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ पर यूनिट टाइम, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ पर यूनिट टाइम ही हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। अब आपका ये वाला स्टेप देखो आप, अब इसमें क्या हुआ, इसमें मास और टाइम दो हमको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मिल गई, मास और टाइम मिल गई, बट वेलोसिटी अभी भी कौन सी है, डेराइव्ड क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी को अगेन आप क्या लिख सकते हो, देखो वहाँ पर क्या लिखा था हमने, इसको लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और टाइम नीचे और पड़ा हुआ है तो टाइम की क्या होगी, स्क्वायर होगी ऐसे। अब इस फॉर्मूले को देखो आप, फोर्स का ये फॉर्मूला जब आप देखोगे तो आपको फील होगा कि इस फॉर्मूले में जो भी टर्म्स हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ लगी हुई हैं, वो अपने आप में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। मास भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और उसी प्रकार से टाइम भी कौन सी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो अब आप इनके यूनिट्स यूज़ कर लें, अब आप इनके यूनिट्स यूज़ कर लें। मास का क्या यूनिट बताया, फंडामेंटल यूनिट केजी। उसी प्रकार से डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ का फंडामेंटल यूनिट आपको क्या बताया, मीटर। और डिवाइड में टाइम का फंडामेंटल यूनिट हमारा क्या था, सेकंड, और ऊपर इसके क्या पड़ा हुआ है, स्क्वायर। तो इसका जो यूनिट होगा, फोर्स का जो यूनिट होगा, वो यूनिट कौन सा होगा हमारा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि यदि आपको किसी क्वांटिटी का यूनिट फाइंड करना है तो सबसे पहले तो उसका क्या पता होना चाहिए, आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। और ये फॉर्मूला आप कैसे सीखोगे, प्रैक्टिस से। धीरे धीरे नई नई फिजिकल क्वांटिटीज आपके सामने आती जाएंगी, फॉर्मूलाज आपके सामने आते जाएंगे, और आप उनके यूनिट्स फाइंड करते जाओगे। ठीक है बात। और प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस ये है कि पहले आप फॉर्मूला लिखो, और फॉर्मूले में जितनी भी आपकी क्वांटिटीज़ हैं उन सभी को आप लोग सॉल्व करके किसके टर्म में ले आओ, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म में ले आओ। और उसके बाद आप लोग हर एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जगह पर उसका यूनिट आप लोग लगा दें, जैसे मास की जगह केजी, डिस्प्लेसमेंट की जगह मीटर, और टाइम की जगह सेकंड, सेकंड का स्क्वायर, तो वो यूनिट तैयार हो जाता है। ठीक है ना बात। इसको नोट कर लें आप। अब मैं आपको तीन चार एग्जांपल देता हूं, आप उनको सॉल्व करोगे, और जो भी उनका आंसर आएगा वो आप लोग सभी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे कि क्या क्या इनके यूनिट्स आएंगे जो मैं आपको अभी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ दे रहा हूँ। ये प्रैक्टिस के लिए भाई आपकी। ठीक है, सबसे पहला आपको करना है मोमेंटम का यूनिट फाइंड करना है, फाइंड यूनिट्स। क्वेश्चन अपने ये है, फाइंड यूनिट्स।
सबसे पहले आपको करना है किसका, मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? इट इज़ डिनोटेड बाय पी और इसका फॉर्मूला होता है मास टाइम वेलोसिटी, मास टाइम वेलोसिटी। इसका आपको क्या फाइंड करना है, यूनिट फाइंड करना है। सेकंड नंबर इम्पल्स, दिस इज अगेन फिजिकल क्वांटिटी, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आई इज इक्वल टू फोर्स टाइम टी, फोर्स इंटू टाइम, ये इसका फॉर्मूला रहता है। थर्ड नंबर आपको यदि मैं दूं तो आप लोग प्रेशर, प्रेशर व्हाट इज प्रेशर, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल पी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया। तो आपको फॉर्मूला दे दिया मैंने, इसका यूनिट आपको तैयार करना है। फोर नंबर डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी सर, डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय रो एंड स्मॉल डी, एंड हाउ डिफाइन डेंसिटी, मास ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम, मास, मास ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम, मास ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज डिफाइंड एज डेंसिटी। ओके, तो ये चार फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, सॉरी डेराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, मोमेंटम, इम्पल्स, प्रेशर और डेंसिटी। इनके आपको क्या तैयार करने हैं, यूनिट्स तैयार करने हैं। और जो भी आपका आंसर आएगा आप लोग उसको कमेंट्स बॉक्स में डाल दें या मेरे को आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर क्या कर दें, सेंड कर दें, कमेंट्स में भी आप इनको ज़रूर डालें। ओके।